नमस्कार, एमपी न्यूज के न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में सबसे पहले हम बात करते हैं गुना की, जहां पर मुठभेड़ में कई पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहां मुठभेड़ में बदमाशों ने 3 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि पुलिस ने एक शिकारी नौशाद को भी यहाँ पर मार गिराया है। पुलिस टीम का ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घटना शनिवार सुबह करीबन 4 बजे की है, जब तीनों पुलिसकर्मियों के शव जिला अस्पताल इसके बाद भेज दिए गए थे। घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि इस घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ जिनकी भी लापरवाही यहाँ पर मिली है उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि जो है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा देने की बात कही गई है। तीनों शहीदों को दर्जा प्राप्त होगा। गुना की घटना पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि यह बड़ी ही दुखद और हृदयविदारक घटना है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तभी से मैं सभी के संपर्क में हूँ, SP और DGP से लगातार उनकी बातें हो रही थी। और हम आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि गुना जिले के पास आरोन क्षेत्र में 7 से 8 बदमाश होने की सूचना जो है वो पुलिस को मिली थी। बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। इसमें हमारे जाबा सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, हवलदार नीलेश भार्गव और सिपाही संतराम की दुखद मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वयं घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, ऐसी कार्रवाई जो बाकी अपराधियों के लिए नज़ीर बने। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के कहीं भी नहीं जा सकेगा। हम आपको बता दें कि इसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था चौपट होने की बात भी कही है। गुना की घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। इधर गुना SP राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। और हम आपको बता दें कि पुलिस को सूचना ये मिली थी कि बदमाश सगा बरखेड़ा की तरफ से आ रहे हैं, और इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने 4 टीमें बनाई और बदमाशों की घेराबंदी की। इस बीच पुलिस टीम ने शहरोग के जंगल में 4 से 5 बाइक से बदमाशों को जाते हुए भी देखा था। हम आपको बता दें कि पुलिस ने जैसे ही उन्हें घेरा तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। और गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हिरण के मांस और मरे हुए मोर जो हैं वो भी जब्त किए हैं। मृतक पुलिस वालों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि गुना में जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है उसके लिए ग्वालियर IG पर गाज भी गिरी है। यहाँ पर CM ने ट्वीट भी किया है, क्या कुछ लिखा है हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि गुना में शिकारियों का मुकाबला करते हुए हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उन्होंने आगे ये लिखा है कि अपराधियों के लगभग पहचान जो है वो हो चुकी है, जाँच चल रही है, पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा गया है, अपराधी किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं बच सकेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा ये भी कहा है, और पूरे सम्मान के साथ जो शहीद हुए हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचने में विलंब करने पर उन्होंने कहा है कि मैंने ग्वालियर के IG को तत्काल हटाने का फैसला जो है वो भी ले लिया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं यहाँ पर। और हम आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि यह बड़ी ही दुखद और हृदयविदारक घटना है। जैसे ही घटना की जानकारी उन्हें मिली वो तभी से सभी के संपर्क में बने हुए हैं। अब जांच चल रही है कौन कौन अपराधी इसमें मिले हुए हैं या कौन कौन आरोपी इसमें मिले हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। और किन किन को इसमें पकड़ा जाएगा और किन किन पर इसमें गाज गिर सकती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप पॉलिसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अमृत महोत्सव जो है उसका पर्व मनाया गया, और आज हम जो भी करेंगे उससे देश की दिशा जो है वो तय होगी। भारत की स्टार्टअप क्रांति देश को नई ऊंचाइयां तथा नई पहचान दिलाएगी। नए आइडिए से समाधान की ललक जो है वो भारत में हमेशा से रही है। पहले की सरकारों में नीति का अभाव था जिससे कि इस दिशा में प्रगति जो है वो नहीं हो पाई थी, लेकिन 2014 के बाद स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सही दिशा में प्रयास जो है वो किए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने का
टास्क दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर यह भी कहा है कि प्रदेश के चहुमुखी विकास को नई गति इससे मिलेगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इंदौर प्राकृतिक खेती में भी देश का मॉडल बने, इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ग्वालियर की। शहर में विकास के नाम पर लगातार यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि पूरे प्रदेश में पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। कभी विकास के नाम पर काट दिया जाता है, कभी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काट दिया जाता है, कभी भवन निर्माण के नाम पर वर्षों पुराने जो पेड़ हैं उनकी जड़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। पेड़ की कमी का खामियाजा अब धीरे धीरे हर व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। तापमान जो है, हम आपको बता दें कि ग्वालियर में सबसे ज़्यादा है, 46 डिग्री पारा वहाँ पर बना हुआ है और चिलचिलाती धूप से तपती सड़क व भवन के कारण शहर में भीषण गर्मी वहां पर पड़ रही है। लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ज़िले में पेड़ों की संख्या के नाम पर हम आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में पेड़ जो है वो काटे गए हैं, जिसका खामियाजा अब लगातार लोगों को भुगतना पड़ रहा है और चिलचिलाती धूप से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ ग्वालियर में इस तरह के हालात बने हुए हैं बल्कि पूरे प्रदेश में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। 45 डिग्री के पार जो पारा है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में। अगर इसी मामले में इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी 43 डिग्री के पार इंदौर का पारा पहुंच चुका है और ग्वालियर में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री पारा जो है वो दर्ज किया गया है। शहर में पिछले 5 दिन से, यानी कि हम यहां पर इंदौर की बात कर रहे हैं, शहर में पिछले 5 दिन से तापमान जो है वो 42 डिग्री से अधिक बना हुआ है। वहीं विगत 2 दिन से पारा जो है वो 43 डिग्री को भी पार कर चुका है। शनिवार सुबह से सूरज की तपतीश के कारण सुबह 8:30 बजे जो पारा दर्ज किया गया है वो 32 डिग्री था और तेज धूप ने लोगों को यहां पर परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक शनिवार को ही पारा जो है 43 डिग्री पर पहुंच चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये जो पारा है इंदौर का वो 45 डिग्री पर भी पहुंच सकता है और लोगों को चिलचिलाती धूप से भी सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।